हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव और आज मैं आपके लिए एक कंपेरिजन वीडियो लेकर आया हूं दो बजट ईयरबड्स का। यह है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब साउंड बॉम 1 और यह है वीकूल का मूनवॉक मिनी। मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे कैसा लगा है जो मैंने यूज़ किया है मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। ये मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रहा था और इसको मैं अप्रॉक्स 5 से 6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। ज़ेब्रोनिक्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है और मैट फिनिश है, अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर ईयरबड की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की और यहाँ पर ये टच कंट्रोल के साथ आता है। ईयर टिप की क्वालिटी भी इसकी मुझे ठीक लगी है। वहीं अगर हम बात करें वीकूल की, तो वीकूल में जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है मुझे थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लगा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। चार्जिंग, ईयरबड की चार्जिंग आप देख सकते हैं, बैटरी इंडिकेटर है इसमें, वो भी आप देख सकते हैं। और ईयरबड की क्वालिटी भी अगर प्लास्टिक की क्वालिटी की बात की जाए तो ठीक ठाक ही है। ईयर टिप की क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी है इसके। और अब हम बात करें बैटरी की, तो वीकूल की बैटरी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके जो ईयरबड्स हैं 3 से 4 घंटे का पिकअप आपको देते हैं सिंगल चार्ज में, और वहीं ज़ेब्रोनिक्स का जो ईयरबड है ये आपको सिंगल चार्ज में 2 घंटे तक का, 1.5 से 2 घंटे का बैकअप देता है। और केस के चार्जिंग की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है ज़ेब्रोनिक्स का कि अगर आप 50% वॉल्यूम में इसको यूज़ करेंगे ईयरबड्स को तो ये आपको 12 घंटे का बैकअप देगा, बट मुझे 10 घंटे का बैकअप इसने दिया है। 2 से 3 बार मैंने ईयरबड्स को चार्ज किया है और ये फुल चार्ज हो जाते हैं। और वहीं हम वीकूल की बात करें तो 5 से 6 बार ईयरबड्स इसके चार्ज हो जाते हैं एक बार अगर केस को आप फुल चार्ज करते हैं तो। अब हम बात करते हैं फिटिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ेब्रोनिक्स में लेफ़्ट और राइट का जो शेप है ईयरबड्स का वो अलग अलग है, तो आप लेफ़्ट का लेफ़्ट में ही वियर कर सकते हैं और राइट ईयर का राइट में ही वियर कर सकते हैं। लेकिन वीकूल में ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लेफ़्ट ईयर का राइट में या राइट का लेफ़्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की फ़िटिंग बहुत अच्छी है, आप पहन के जिमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, आप कैसे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। अब हम बात करें साउंड की। साउंड के मामले में नो डाउट ज़ेब्रोनिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, बैलेंस साउंड है, बास ट्रेबल की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है और लाउड भी काफ़ी है। वहीं अगर हम वीकूल की बात करें तो लाउडनेस थोड़ी मुझे कम लगी है, बास एंड ट्रेबल भी ठीक ठाक है, तो ओवरऑल साउंड में अगर देखा जाए तो ज़ेब्रोनिक्स ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है। चार्जिंग की बात करें तो ज़ेब्रोनिक्स चार्ज होने में, ज़ेब्रोनिक्स का जो केस है वो चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे का समय लेता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें। और वहीं वीकूल की बात की जाए तो माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर और ये 2.5 से 3 घंटे ले लेता है फुल चार्ज होने में। दोनों ही स्प्लैश प्रूफ हैं, मीन्स अगर हल्के फुल्के पानी के छींटे लगते हैं या आप गीले हाथों से ईयरबड्स को यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपको। नॉइज़ कैंसलेशन दोनों में नहीं है, बट नॉइज़ आइसोलेशन है ज़ेब्रोनिक्स में ज़्यादा अच्छा है। तो अब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि आप को कौन सा लेना चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से, तो अगर आप साउंड सुनना चाहते हैं, मींस म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको ज़ेब्रोनिक्स की तरफ जाना चाहिए। बट चार्जिंग थोड़ा सा मुझे बैकअप में थोड़ा कम लगा है। वहीं अगर आपकी कॉलिंग ज़्यादा है, कभी कभार आप सॉन्ग्स भी सुनते हैं, वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं, तो वीकूल की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि इसका चार्जिंग बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका। तो यही था मेरा वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कैसे अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।